गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ सनी डे। आज फ्राइडे है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। हम आए हैं बुशरियात आइलैंड और यहाँ कोई शो हो रहा है। ये यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, अब आवाज़ आ रही होगी। यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है। किस तरफ जाना है? और ये हम आ गए हैं बीच पर। ये दूर तक सब लोग बैठे हुए हैं और शुक्र है अम्ब्रेलास हैं, लेकिन इतनी तेज धूप है। खासा सफाई भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में कभी सफाई नहीं होगी। आपकी गाड़ियों की पार्किंग तक मिट्टी पहुंची होगी। ये हम चलते जा रहे हैं बहुत दूर तक। ये सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि ये ओपन बीच है, तो बहुत बड़ा इलाका है। अब हम लोग अपना टी टाइम करने लगे हैं, क्योंकि हम लोग लंच नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़े से स्नैक लिए थे, साथ चाय बना के ले आए थे। और पिकनिक मनाने का तो इरादा नहीं था, लेकिन टिकन करेंगे। और यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर आ गया है यूएई का फ्लैग लेके, क्योंकि इनका नेशनल डे है। तो ये बीच पे लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। पूरे जो साहिल समुंदर की पट्टी होती है, वहाँ से शुरू से लेके एंड तक ये हेलीकॉप्टर गया और फिर वापस आ गया। और सब इसको ही देख रहे थे, कोई वीडियो बना रहा है और बच्चे इसको बाय बाय कर रहे हैं। साथ दूसरा हेलीकॉप्टर भी है सिक्योरिटी के लिए। और ये हम लोग थर्मस में चाय लाए हुए थे, बहुत गर्म है। ये देखें, सफूरा ने खुद ही किसी लड़की को अपना फ्रेंड बना लिया है। और चाय पीने के बाद हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। सूरज देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये सैंड है यहाँ पे, ये चेयर्स पड़ी हुई थी, हम लोग भी इस पर बैठ के हमने कहा अपना शौक पूरा कर लें। और ये देखें, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपना सामान रख के जहाँ मर्जी चले जाएं, कोई नहीं छेड़ेगा। हम भी अपने बैग्स यहीं पर रख के तो खुद बिल्कुल पानी के पास चले गए थे, और वापस आए तो उसी तरह सामान मौजूद था। और सबसे ज़्यादा बीच पे सफूरा ने इंजॉय किया। और बाकी हम लोगों का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग नहाएंगे, हम लोग इसलिए अपने कपड़े वगैरह भी नहीं लाए हुए थे। जस्ट पाउंड डिप किए, थोड़ा सा चक्कर लगा लिया पानी में, और समंदर पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और यहाँ सामने ही दूसरे वॉशरूम्स बने हुए थे, जहाँ पर आप समुंदर में नहाने के बाद वॉशरूम में जाके नहा सकते हैं। वहाँ पे गर्म पानी आ रहा होता है। अब हम ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्ले एरिया है, ओपन जिम है, और यहाँ पे बोटिंग भी हो रखी है। और देखें सामने कितना बड़ा इन्होंने हुदरियात लिखा हुआ है हैशटैग के साथ। तो आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इस हैशटैग के साथ अपनी वीडियो अपलोड करें। और ये देखें, यहाँ पर लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, और आगे काफ़ी ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ेगा, अब हम लोग नहीं जा रहे। और अब रात हो गई है और सीन भी चेंज हो गया है। हम अब हम आए हैं रीम आइलैंड, और लास्ट टाइम भी डे टाइम में हमने इस बिल्डिंग के आगे पिक्चर्स ली थी, तब हमारे साथ अब्बू थे और आज नहीं है। अब हम आए हैं फे पार्क, पता नहीं फे क्यों रखा इसका नाम। और ये जंगल है, ये जंगल बनाया हुआ है, इसके अंदर जा रहे हैं हम।
यहाँ पे लोग कुछ पिकनिक मना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बेंचेस बने हैं और साथ में उनके स्टूल्स भी बने हुए हैं। और यहाँ पे देखें, हैंड वॉश के लिए बनाया हुआ, ऊपर लिखा भी हुआ हैंड वॉश। ये देखें, नीचे नलके हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैक बनाया हुआ है पूरे फॉरेस्ट के लिए। ये जगह जगह पे बैठने के लिए भी, ये देखें कितने ज़्यादा स्टूल्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पर ये जंगल ट्रैक ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे देखें, ये इतने प्यारे से फाउंटेन्स हैं, कलरफुल। ये देखें, ये पर्पल कलर, पिंक, और ये अब ब्लू, मल्टी कलर्स। पूरे यूए में कहीं भी चले जाओ, ऑलमोस्ट हर जगह पर डांसिंग फाउंटेन्स मिलते हैं। यहाँ पर लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पर स्लाइड है, बच्चे स्लाइड्स ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है, जहाँ भी बच्चों का प्ले एरिया होता है, वहाँ पे इस तरह से ज़मीन बनाई होती है। ये ना सैंड है, ना बजरी है, पता नहीं क्या है, ना कारपेट है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठंडा भी होता है और हार्ड भी है। मुझे नहीं पता ये क्या है। इसके ऊपर अगर बच्चे गिर भी जाएं तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। देखें, जैसे हमारे तो पाकिस्तान में जहाँ पे भी स्लाइड होती है, स्लाइड के आगे खड्डा बना होता है, बारिश हो जाए तो उसमें पानी खड़ा हुआ होता है, और जब बच्चा स्लाइड लेके नीचे आता है तो मिट्टी और मिट्टी हो जाता है। और यहाँ पर बच्चे कुछ स्केटिंग कर रहे थे। और ये छोटा सा एक जंपिंग रिंग बना हुआ था। यहाँ पे देखें, फे पार्क की एंट्रेंस यहाँ से थी, लेकिन हम पिछली तरफ से गए थे। और अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। ये देखें, सामने हॉस्पिटल है, ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, ये हॉस्पिटल है जिसको डेकोरेट किया हुआ है। और आज हम टिक्का टुनाइट में डिनर करेंगे। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और ये भी एक हॉस्पिटल है। देखिए किस तरह से डेकोरेट किए हुए हैं, और ये अंदर से भी इसी तरह के लग्जरी किस्म के हैं। ये है अगला दिन, और अब हम आ गए हैं यहाँ से शॉपिंग करनी है थोड़ी। ये मदीना साइड शॉपिंग सेंटर है और ये ओल्ड एरिया में है। यहाँ से थोड़े स्टैंडर्ड रेट्स पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। और इधर देखें, ये कोई ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है। ये रश देखें, कैसे लोग खड़े हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, कोई मेला लगा हुआ है, कोई कुछ ख़रीद रहा है, स्टॉल्स हैं सारे। तो नीचे उतरते हैं यहाँ से, और बच्चे झूला भी ले रहे हैं। अब हम आ गए हैं ये नीचे, ये पास से देखें, ये खाने पीने के स्टॉल्स हैं सारे। ये झूले भी लगे हुए हैं। मैं ऊपर ना एक दफा सीढ़ियों पे खड़े होके पूरा व्यू लेती हूँ। कुछ गेम खेल के विन कर रहे हैं वो, देखो ये जो बनाना हैंग हुए हैं यहाँ पे, कितने बड़े बड़े। यहाँ स्नूकर भी खेल रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। ये देखो, ये नेशनल डे के लिए बुर्का।
हेल्थ टेस्टर नहीं है, इनके टेस्टर नहीं होते हैं। मैटिफाइंग अच्छा पाउडर नहीं है, नहीं अच्छा, वो अच्छा है 16 आवर्स वाला। हम यहाँ पर बैग्स और ये बच्चों के शूज ले रहे हैं। हम सफूरा के लिए शूज ले रहे थे और वह जब साइज लेने गया तो जूं गया वापस ही नहीं आया। फिर उसने कहा कि आप वापसी पे आते हुए ले लें, और वापसी पे हम लोग भूल गए थे और उसके शूज़ वहीं पे रह गए, वो शूज़ हमने नहीं लिए। ये दोनों जो चेक किए हैं ये बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन उसकी किस्मत में नहीं थे तो वहीं रह गए। Who will wear this shoe? Too much over? और ये मेरी भी आज की लुक देख लें, लग गई है। और थोड़ी सी शॉपिंग करके हम लोग थक गए थे तो थोड़े से ये देर यहाँ से बैठते थे, यहाँ सारे फाउंटेन के पास बैठे थे और बच्चों को खिला पिला दिया। अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं अतर वाली शॉप पर, बाई के कुछ फ्रेंड्स ने मंगवाए हुए थे उनके लिए ले रहे हैं। मैंने सिर्फ अपने लिए एक छोटा सा लिया था और हमने इतने अतर चेक किए कि खुशबू आना बंद हो गई थी। फिर जो स्टार्ट में हमने सेलेक्ट किए थे वही वाले फिल करवा लिए, और कुछ चीज़ें तो मैं वैसे ही देखती रही हूँ, बिला वजह लेनी भी नहीं थी, ऐसी विंडो शॉपिंग कर रही थी। अब जैसे ये है ग्लासेस जो कि मैंने नहीं लिए, और ये घड़ी भी ऐसी शौकिया पहन के चेक की थी, मुझे पसंद आ रही थी लेकिन रेट ज़्यादा था। है तो रेप्लिका ही तो, लेकिन वो 50 दिरहम की दे रहा था तो मैंने नहीं ली। अब इसको कह दिया कि अच्छी तरह पैक कर दें। अब हम आ गए हैं लूलू में, यहाँ से हमने दूसरी लाइन में देखना, कुछ कैंडल्स लेनी है और कुछ और चीज़ें। ये हमने लेनी थी बच्चों के लिए कैंडल्स, और उसके लिए सारा मॉल फिरते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये लगे हुए हैं बड़े पैकेट्स, इनको ले सकते हैं हम। कैंडीज नहीं है, कैंडीज नहीं है, ये कैंडीज ये भी टॉफी। अब बस हम बिल करवा रहे हैं, उसके बाद हम डिनर करेंगे। अब हम आ गए हैं सुफरा बनियास, यहाँ पे अरेबिक सिटिंग है और ये सब अपने अपने कुशन मल के बैठ गए हैं, और ये सुफरा बिछा रहे हैं। यहाँ मोस्टली रेस्टोरेंट्स में ये सैलड और साथ टमाटर की चटनी देते हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, और रायता ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कम्प्लीमेंट्री देते हैं, पाकिस्तान की तरह चार्ज नहीं करते हैं। और इनका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत टेस्टी मंदी थी, चिकन बहुत ज़्यादा मज़े का था, और साथ में ये लोग सूप भी देते हैं, कभी होता है लेंटिल सूप, कभी यखनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। ये देखें ये वाली यखनी होती है, ये बहुत मज़े की होती है। और खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ये नाइट व्यू है शेख सैद मस्जिद का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।